जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि बिल के विरोध में तिकोनिया से किसान यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर जाते समय किसानों को प्रशासन ने निघासन के सरयू पुल पर रोक दिया, जिससे राष्ट्रीय पनवाड़ी राजमार्ग बाधित हो गया और पुल के दोनों तरफ काफी लंबा जाम लग गया। मौके पर SDM OP गुप्ता, चीनी मिल GM सुशील कुमार गौड़, SCDI मनोज पांडे, CCO श्रीवास चीनी, जबकि तीनों थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। वही प्रदर्शनकारी किसान कम ट्रालियों में थे, पर तिकोनिया कोतवाली पुलिस तिकोनिया में रोकने में असफल रही। जब किसानों का जत्था निघासन के सरयू पुल पर पहुंचा तो प्रशासनिक अमले ने वाहवाही लूटने के लिए रोक दिया, जिससे रोड जाम हो गई। पर किसान निघासन से आगे गहरा फर्म तक जाने के लिए गुहार लगाते रहे। मौके पर मौजूद प्रशासन सरयू पुल पर ही कई घंटों तक रोक रखा, जिससे लगे जाम से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 3 घंटे बाद किसानों को गहरा फार्म तक जाने की अनुमति दी और साथ साथ चलने की बात भी कही। इस पर किसान भी राजी हुए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट। आप कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे, किसान आंदोलन के क्षेत्र करने जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा जगह जगह बैरिकेडिंग कर और प्रशासन बल प्रयोग भी करना चाहता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसानों को शांति प्रिय तरीके से उनका मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा। हम किसान व मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जो कृषि बल हैं, जबकि भारत सरकार मान भी चुकी है इसमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन वापस देना नहीं चाह रही। हम लोग उस बिल को, जब तक हम लोग शब्द लेकर निकले हैं और यहां से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचेंगे और कृषि बिल को कानून को वापस करवा के मानेंगे। तो ये प्रशासन आपको रोक क्यों रहा है सर? ये प्रशासन से आप ये सवाल पूछिए सर, आपको देखिए ये आज भाजपा की सरकार बहुत डर रही है। ये किसान आंदोलन जो है एक भारत का, पूरे हिंदुस्तान में जन आंदोलन बन चुका है। अब इनको अपना ही डर सता रहा है, क्योंकि मीडिया भी लगभग जो इनका मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो भ्रामिक खबरें दे रहा है। जबकि कुछ चैनल बहुत अच्छी जहाँ सोशल मीडिया में जो हमारे भाई जुड़े हैं बहुत अच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन आज प्रशासन भी शासन की मंशा से काम कर रहा है और जो इनकी ऐसी घृणित मानसिकता है उनसे हमें कोई भी, हम विचित्र नहीं होंगे, बल्कि हम आगे बढ़ते रहे, हमारा कार्रवाई आगे बढ़ते रहेगा। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं बिल जो है किसानों के जो है लिए अच्छा है, तो आप कैसे विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं सुबह अभी न्यूज देख रहा था कि सुबह मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट खेती फार्मिंग करवाई है, वहाँ का किसान आज त्रस्त है। वो कंपनियाँ उनकी फसल नहीं उठा रही हैं और ये घाटे का सौदा है, क्योंकि जब तक हम उनकी क्वालिटी नहीं क्लियर करते हैं, तब तक हमें वो हमारा जो है कोई भी, हमारी सरकार कह रही है किसानों की मांगे हम मानने के लिए तैयार हैं, MSP के लिए हम जो है, हम लोग तो यही तो चाहते थे, मैं MSP पे गारंटेड MSP हो जाए। पचासों ट्राली खड़ी है, किसी का धान तुला है जी? कोर्ट से आप लोगों को ये कहा गया था कि आप जो है कभी रोड नहीं रोकेंगे, अपना शांतिपूर्वक जो है दिखा सकते हैं, लेकिन प्रशासन ही आपको यहाँ पर ऐसा देखने से लगता है कि प्रशासन ही आपको रोक रहा है। प्रशासन ही हमें रोक रहा है, तो शांतिपूर्वक जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे रोका गया आपको? हमें पहले गुरुद्वारा कुड़ियाला घाट रोका, फिर तिकुनिया रोका गया, उसके बाद में कालेश्वर में शिंगाही और अब फिर ये हमारे सरजे पुल पे रोका गया। यहाँ पर क्यों रोका गया? आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा? जाने नहीं दिए, देने जा रहे हैं। हम लोग बैठ गए अपने शांतिपूर्वक बैठ गए हम लोग और बैठेंगे, जितनी देर बैठेंगे, जाना तो हमारा निश्चय है। SDM साहब ने क्या बयान दिया, कहते हैं अरेस्ट करें? SDM साहब ने अरेस्ट करें तो हम लोग तैयार, हम लाठी चार्ज करवाने की धमकी दे रहे हैं, हम लोग तैयार हैं, धमकी दे रहे हैं, हम उनकी धमकी से मानने वाले नहीं हैं।